नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, घर पे हैं, फिट हैं, होने भी चाहिए बिकॉज डेली आप योगा कर रहे हो। मॉर्निंग आपका सेशन होता है हाफ एन आवर का, डेली योगा कर रहे हो तो फिट तो डेफिनेटली रहने चाहिए। तो छोटों के लिए आशीर्वाद, बड़ों के लिए दुआ है कि आप फिट रहें, योगा करते रहें। जो पसंद करते हैं उनके लिए भी दुआ है, जो ना पसंद करते हैं उनके लिए भी दुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको करवाऊंगी कुछ डिफरेंट आसन्स जिसकी सावधानियां एंड उसके फायदे मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वज्रासन से। वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये आपका वज्रासन होता है। आपको पता है इस वज्रासन के क्या फायदे होते हैं? मैं आपको बताती हूँ। ये वज्रासन होता है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। वज्रासन इकलौता आसन होता है ऐसा जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आसन ऐसा नहीं जो खाना खाने के बाद किया जाता है, और ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो खाना खाने के बाद ज़रूर आप इस आसन को करें। जब भी आप फ्री होते हैं तब भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। डाइजेशन के साथ साथ ये हमारे थाइज और बटक्स के एक्स्ट्रा फैट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जब भी फ्री होते हैं कोशिश करें आप इस आसन में बैठो। टीवी देख रहे हो जरूरी नहीं है आप नीचे मैट लगा के इस आसन में बैठो। आप बेड पे भी बैठे हैं तो भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस आसन में बैठने की कोशिश करें। क्लास की हम शुरुआत करते हैं इस आसन से। सो ध्यान मुद्रा लगाते हुए आईज क्लोज, डीप ब्रीदिंग के साथ डीप इनहेल एक्सहेल कंप्लीटली, डीप इनहेल एक्सहेल कंप्लीटली, थ्री टाइम्स ओम चैंटिंग। Last round. Om. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Vareeniyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्। रब योर पाम्स। गरम हाथों का स्पर्श आईज पे फेस पे करेंगे। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं लाइट मूवमेंट्स जिससे आपकी बॉडी अच्छे से ओपन हो जाए, हल्के जॉइंट्स आपके ओपन हो जाए। सबसे पहले नेक मूवमेंट करेंगे लेफ्ट एंड राइट पूरा स्ट्रेच के साथ। आप कोई भी वर्कआउट करते हैं उससे पहले आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इससे आपको बॉडी में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, मसल स्ट्रेच नहीं होगी और किसी भी तरह का कोई तनाव आप महसूस नहीं करेंगे। टेन राउंड्स आप स्ट्रेच करते हुए कर सकते हैं लेफ्ट राइट एंड देन चेंज फ्रंट एंड बैक। ब्रीदिंग के साथ अगर करना चाहते हैं तो बैक इनहेल एंड फ्रंट एक्सहेल, बैक इनहेल एंड फ्रंट एक्सहेल। नाउ चेंज लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करेंगे। जिन जिन एक्सरसाइजेस को आप आईज क्लोज करके कर सकते हो करने की कोशिश करो, बिकॉज क्या होता है अगर आप आईज क्लोज कर रहे हो तो इट मीन्स आपका ब्रेन कहीं और वर्क नहीं कर रहा। अगर आपकी आईज ओपन है, आपके सामने कोई भी चीज़ है, ना चाहते हुए भी आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो और आपका ध्यान योगा से हट जाता है। तो कोशिश करें कि आईज क्लोज करके अपनी बॉडी के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए आप एक्सरसाइज करें। अब जैसे आप मान लो रोटेशन कर रहे हो, ठीक है, आईज क्लोज करके फील करो कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, कहाँ पे आप आराम महसूस कर रहे हो। अपनी हर एक बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, इंटरनली ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करो पूरा रोटेशन स्ट्रेच के साथ। नाउ सेम अदर साइड। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर आसन में, हर एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखनी होती है, वो होती है आपकी स्माइल।
अब योगा स्टार्ट करो तब आपके फेस पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, जब आपका योगा फिनिश होता है तब तक आपको वो स्माइल रखनी है। और सिर्फ ये नहीं कि दिखाने के लिए स्माइल रखनी है, इंटरनली खुश होके करो, बिकॉज योगा कर रहे हो स्ट्रेस कम करने के लिए। और अगर आपके फेस पे स्माइल नहीं है, आपका ध्यान योगा में नहीं है, तो स्ट्रेस तो बढ़ जाएगा। ओके, नाउ चेंज शोल्डर मूवमेंट्स, शोल्डर्स को रोटेट करेंगे 10 rounds, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 Now other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Relax, change. दोनों हाथ बराबर में इनहेल करते हुए फिंगर्स को पूरा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो और होल्ड करो। फिंगर्स को आप अपनी तरफ खींचोगे, यहाँ से नीचे से आपकी मसल स्ट्रेच होंगी, यहाँ पे भी पेन आएगा, ठीक है। इतना खींचना है आपको कि थोड़ा पेन फील हो आपको, लिमिट से ज़्यादा तो करना ही नहीं है। मैं हर बार बोलती हूँ शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, लेकिन हल्का सा स्ट्रेच करना है, थोड़ा प्रेशर आएगा तभी मसल्स आपकी ओपन होंगी। होल्ड करेंगे 10-20 seconds जितना कर सकते हो, एंड देन उसके बाद मेक स्मॉल सर्कल, छोटा सा चक्कर बनाते हुए हाथों को घुमाएंगे 10-15 rounds आप इसके कर सकते हो। नाउ सेम अदर साइड, फिंगर्स को लेकिन आपको खींच के रखना है, ये नहीं हाथों कैसे लूज छोड़ के आप सर्कल बना रहे हो, नहीं, फिंगर्स को खींच के रखो, हैंड स्ट्रेंथन के लिए एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है। जिनके हाथ वीक रहते हैं, जिनके हाथ कमजोर रहते हैं, वाइब्रेशन रहता है हाथों में, उनके लिए एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है। नाउ चेंज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, नेचर को महसूस करते हुए करो, बहुत मजा आता है योगा करते हुए। देन चेंज रोटेशन, आगे से पूरा एल्बोज को मिलाते हुए यहाँ पे मिलाने की कोशिश करेंगे, फोरहेड तक मिला के रखने की कोशिश करेंगे। और ये सेम अदर साइड, आप इसके 10-15-20 rounds कीजिए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसे बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स, देन चेंज, एल्बो को पूरा अपनी तरफ खींचते हुए इनहेल करेंगे एंड लूज छोड़ते हुए हाथों को सीधा करते हुए एक्सहेल। पीछे से पूरा खींचने की कोशिश करेंगे, जितना आप कर सकते हैं कीजिए। शोल्डर के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, शोल्डर में किसी भी तरह का पेन रहता है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। रिलैक्स, वेरी गुड, ये आपकी अपर बॉडी ओपन हो गई। अब हम करेंगे लोअर बॉडी, जिसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, और सबसे पहले हम करेंगे हिप रोटेशन। वेरी गुड, ये लाइट एक्सरसाइजेज हैं जो आपको डेली करनी है, बॉडी को गर्म करने के लिए, वार्म अप करने के लिए आप डेली कर सकते हैं। साथ साथ में आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। After 10-15 rounds, other side, दूसरी तरफ से भी घुमाएंगे। Relax, very good. हल्की सी हम साइड बेंडिंग कर लेते हैं, ताकि ये जो साइड में फैट जमा होता है, ठीक है, ये साइड्स का ये खत्म हो जाए। एक बार लेफ्ट साइड एंड देन सेम राइट साइड, जितना नीचे जा सकते हो जाने की कोशिश करो। स्मूथली, जर्क के साथ नहीं करना, बॉडी को झटका नहीं देना है आपको। एंड देन होल्ड फॉर 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 Superb. सेम अदर साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 Superb.
नाउ चेंज लेग की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप चाहे तो हल्की सी जंपिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, आप चाहो तो लेग की अदर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताकि आपके जॉइंट ओपन हो जाए। सो नी के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। थोड़ा सा आगे झुकते हुए नी पे हाथ रखते हुए आपको फ्रंट एंड बैक करना है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से हाथों से प्रेशर नहीं डालना नीज के ऊपर, हल्के हाथों से सपोर्ट करना है आपको, सिर्फ टच करना है, ठीक है। और ये पूरा फ्रंट एंड बैक, ये एक्सरसाइज नी पेन वालों के लिए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए, जोड़ों का दर्द जिसको रहता है उनके लिए बहुत अच्छी है। आप फ्रंट एंड बैक करें एंड देन लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट करेंगे 10-15 टाइम्स सेम विद स्माइली फेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। एंड देन सर्कल अदर साइड एंड देन रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अब आपकी बॉडी के सारे जॉइंट्स ओपन हो चुके हैं, अब आपकी बॉडी रेडी है आसन करने के लिए, ठीक है। इतने एक्सरसाइज करने के बाद आप डायरेक्ट आसन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, ठीक है। सूर्य नमस्कार का एक राउंड हम कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट। इनहेल एंड एक्सहेल, 1 नमस्कार मुद्रा, 2 बैक बेंडिंग, 3 फॉरवर्ड बेंडिंग, वेरी गुड, 4 राइट लेग आगे लेफ्ट लेग पीछे और सामने देखते हुए ये, एंड देन 5 सुपर, 6 7 8 9 लेफ्ट लेग आगे, 10 फॉरवर्ड बेंडिंग एंड देन 11 बैक बेंडिंग एंड 12। ये मैंने एक राउंड किया है, ठीक है। आप 2, 3, 4, 5 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग राउंड्स को बढ़ा भी सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे आसन। सो पहले हम सीटिंग आसन कर लेते हैं, देन स्टैंडिंग आसन करेंगे। मतलब पहले हम बैठ के 2-3 आसन कर लेते हैं, फिर हम खड़े होके करेंगे। चलिए सबसे पहला आसन हम करेंगे सिंहासन, ठीक है। आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, या किसी भी तरह की इंजरी हुई हुई है आपके घुटनों में, तो आप वज्रासन को अवॉइड करें। तो आपको वज्रासन नहीं बैठना है, तो आप नॉर्मल पोजीशन में बैठ के भी सिंहासन कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं वज्रासन में बैठ के, ठीक है। हाथों को इस तरीके से बराबर में रखते हुए आपको इनहेल करके टंग को बाहर निकाल के गले से आवाज निकालनी है, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। यह आपका सिंहासन होता है, ठीक है जी। इसे मैंने क्या किया है, डीप इनहेल एंड देन गले से आवाज निकालते हुए, टंग को पूरा, जीभ को पूरा बाहर निकालते हुए, जितना आप आवाज को बाहर निकाल सकते हैं पूरा गले से आवाज को निकालने की कोशिश करो, ठीक है जी। ये आपका सिंहासन होता है। सिंहासन जो होता है आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। इट मीन्स जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए सिंहासन बहुत अच्छा होता है, हमारी आवाज को सुरीला बनाता है। अगर किसी की वॉइस बहुत हैवी होती है, ठीक है, तो आवाज को पतला बनाता है, सुरीला बनाता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के गले में खिचखिच रहती है, अगर आप खिंचाव महसूस करते हैं किसी भी तरीके का, अगर आप यहाँ पे पेन महसूस करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए सिंहासन बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को करके दिखाती हूँ। फाइव 10-15 टाइम्स करने के बाद हाथों को पूरा तेजी से रब करेंगे। आप जब ये करते हो तो थायराइड ग्लैंड पे पूरा प्रेशर आता है। हो सकता है आप ये करो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी खांसी भी आए, वो कॉमन है, घबराना नहीं, आप कीजिए कंटिन्यू, ठीक है। इट मीन्स आप सही कर रहे हो, अगर खांसी आ रही है तो करो। खांसी वगैरह भी जिनको आती है उसके लिए भी अच्छा होता है। गर्म हाथों का स्पर्श गले पे करेंगे हल्की सी मसाज करते हुए। ये आपका सिंह आसन था जो आपको डेली करना है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप रेगुलर ये आसन कीजिए, थायराइड के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आसन हम करेंगे बैक नमस्ते।
रिवर्स प्रेयर पोज, ठीक है, करके दिखाती हूँ। आप बैक साइड से ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ करते हुए और ये कमर सीधी रखते हुए, दोनों हाथों को पीछे से जोड़ते हुए पूरी हथेलियों को मिलाने की कोशिश करेंगे, दबाते हुए एल्बोज आपकी बराबर में स्ट्रेट रहेंगी, बॉडी को इस तरीके से आगे कोई नहीं झुकाएगा, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और ये आपका रिवर्स प्रेयर पोज है, बैक नमस्ते जिसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा पोस्चर है ये। रिलैक्स एंड देन स्लोली स्लोली वापस, ठीक है। एक तो आपको इसको जर्क के साथ नहीं करना है, इसको ही नहीं, आपको किसी भी आसन को जर्क के साथ नहीं करना है। अगर आप झटके के साथ करते हो तो कोई भी आपको क्रैम्प भी आ सकता है, कोई भी मसल स्ट्रेच हो सकते हैं, खाम खाम को पेन हो जाएगा। तो कोई भी आसन आपको करो, स्लोली स्लोली करो, आप आराम आराम से करो, ठीक है। मेरी लास्ट वीडियो को किसी ने देख के आसन किया होगा तो उनका मेरे पास मैसेज आया था कि आप ये हमने देखा तो हमारे मेरे नेक पे क्या नाम है पेन आ गया, मसल खींच गई। तो क्या नाम है, आराम आराम से करो, ठीक है, ध्यान से करो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप जर्क के साथ करोगे, उन्होंने ये मिस्टेक की थी कि उन्होंने जर्क के साथ किया, उन्होंने बताया, तो ये गलत है। आराम से करो, पहले वीडियो को देखो, दो बार रिवाइंड करके दोबारा देख लो आप रिपीट करके कि कैसे करना है, लेकिन गलत मत करो, ठीक है। तो ये हमने किया है रिवर्स प्रेयर पोज, ठीक है। इसे भी बहुत ही आराम से आपको करना है, कमर आपकी सीधी रहेगी। एंड देन आईज क्लोज करके मैं फ्रंट से भी आपको एक बार करके दिखाती हूँ, कमर सीधी रखते हुए आईज क्लोज करके होल्ड करने की कोशिश कीजिए। 10, 20, 30 सेकेंड्स जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जब आप होल्ड नहीं कर पाओ देन स्लोली स्लोली वापस 2-3 टाइम्स आप इसे रिपीट कर सकते हैं। ये आसन जो होता है आपके हैंड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके रिस्ट की ट्विस्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके ये तीनों जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एल्बो में अगर आपको पेन रहता है, आपके हैंड की स्ट्रेंथन के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा होता है, आप इसे कर सकते हैं। प्लस ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है, जो नमस्कार मुद्रा होती है ये आपके मन को शांत करती है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। दूसरा इसका कुछ प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके शोल्डर में किसी भी तरह की इंजरी हो रखी है तो आपको ये पोज नहीं करना है। अगर आपकी रिस्ट की किसी तरह की इंजरी हो रखी है तो आपको नहीं करना है, बिकॉज देखने में इजी लग रहा होगा, जब आप करोगे तो फील करोगे कि हाथ आपका पूरे तरीके से ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। आपके हर जॉइंट ट्विस्ट होता है तो थोड़ा सा प्रेशर आता है, बाइसेप्स भी आपके पूरे ट्विस्ट हो जाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किसी भी तरह की अगर इंजरी हुई है तो आपको यह आसन अवॉइड करना है, नहीं करना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ये आसन कर सकते हैं और इस आसन का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। यह आपका हो गया बैक नमस्ते रिवर्स प्रेयर पोज। नाउ नेक्स्ट आसन हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन भी बहुत ही अच्छा आसन है, जिसके लिए लेग्स को स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको उस साइड से करके दिखाती हूँ। लेग्स को स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे, ठीक है, सीधे लेटते हुए एल्बो के सपोर्ट से। इसके दो वेरिएशन होते हैं, पहले मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। एल्बो के सपोर्ट रखते हुए आपको अपर बैक को बेंड करना है इस कुछ इस तरीके से, और हेड को नीचे टच करना है, ठीक है। एल्बो का सपोर्ट करते हुए बैक को और बेंड करेंगे, हेड को पूरा अंदर लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे। आप अपने हाथों को इस तरीके से थाइस पर रख सकते हो और आपका हेड हवा में नहीं रहेगा, आपको पीछे टच करके रखना है और होल्ड करना है। टोज को आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे, ये जितना होल्ड कर सकते हैं करेंगे। आफ्टर दैट सेम एल्बो के सपोर्ट से स्लोली स्लोली वापस, ठीक है जी। ये हमने किया है मत्स्यासन, ठीक है। ये सिंपल मत्स्यासन था, इसके बाद में एक पद्मासन लगा के भी हम मत्स्यासन करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके फायदे क्या है, उसकी प्रिकॉशंस क्या है, इसकी सावधानियां सुनते हुए उसके बाद आपको इस आसन को करना है। ये मत्स्य आसन होता है, फिश पोज इसको बोला जाता है, मछली आसन, ठीक है। ये मत्स्य आसन जो होता है हमारी चेस्ट को एक्सपेंड करता है, आपकी फ्रंट बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा हमारी थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है ये आसन, ब्रेन के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है, हमारी अपर बैक को बेंड करता है, ठीक है। इसमें सावधानियाँ आपको क्या बरतनी है, हाई बीपी वालों को यह आसन नहीं करना है,
ठीक है। दूसरा, अगर आपकी बैक की किसी भी तरह की इंजरी हुई है तो आपको नहीं करना है, तब तो स्ट्रिक्टली आपको नहीं करना है ये आसन, वरना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा। और एक चीज़ का और, जब आप अगर आपकी नेक की भी किसी भी तरह की इंजरी हुई है तो भी आपको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। और अगर मान लो किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, नी में पेन रहता है, तो वो लेग स्ट्रेट करके करेंगे। अगर किसी को नी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर पद्मासन लगा के इस आसन को कीजिए, बिकॉज पद्मासन लगाने के बाद आपको एक तो मत्स्य आसन के फायदे मिलेंगे, और पद्मासन लगा के करो तो पद्मासन के भी आपको फायदे मिलेंगे। तो जो पद्मासन लगा के कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से करेंगे, पद्मासन लगाने के बाद बॉडी को पीछे की तरफ ले जाते हुए सेम एल्बो का सपोर्ट लगाएंगे और ये अपर बैक को बेंड करेंगे और हेड को नीचे टच करना है। इसमें कुछ इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। वेरी गुड। सो ये आपका पद्मासन लगा के मत्स्य आसन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप में से कोई प्रेशर फील कर रहा है, हल्का सा में भी हो सकता है आप स्पाइन में प्रेशर फील करो, तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग तुरंत कर सकते हैं। उसके लिए आप ये पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। वेरी गुड। जैसे आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो जो भी स्ट्रेन आपकी स्पाइन पे आया है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका मत्स्य आसन था, बहुत ही अच्छा आसन है, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ आसन स्टैंडिंग पोस्चर, ठीक है जी। उसके लिए खड़े हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन, हम करते हैं, ठीक है। त्रिकोण आसन बहुत ही अच्छा आसन होता है, जिसके लिए हम लेग्स को ओपन करेंगे। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप लेग्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। एंड उसके बाद सिंगल टो आउटसाइड, अपने एक पंजे को दूसरी तरफ घुमाएंगे, ठीक है। एंड नी स्ट्रेट रखते हुए, नी को आपको बेंड नहीं करना, नी स्ट्रेट रखेंगे। एंड जिस पंजे को आपने बाहर की तरफ निकाला है, जो टो आपका आउटसाइड है, सेम हैंड आपको बेंडिंग करते हुए उसके आगे रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और दूसरा हाथ आपका ऊपर की तरफ जाएगा, और जो हाथ आपका ऊपर है उस हाथ की फिंगर्स को आपको देखना है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, हो सकता है उनकी स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी ना हो कि वो हाथ को नीचे तक टच कर पाए, तो बिगिनर्स के लिए है कि आप अपने हाथ को इस पे नी पे रख सकते हो, नी के बराबर में या फिर नीचे जहाँ तक आप ले जा सकते हो, जितनी आपकी स्ट्रेचिंग है उतना आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद अदर हैंड ऊपर, आप इतना कर सकते हो। देन अपनी स्ट्रेचिंग के अकॉर्डिंग करें, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। और जिसका हाथ नीचे तक जाता है उनको क्या, ये गलती कोई नहीं करेगा, इस आसन का कोई फायदा नहीं, इट मीन्स टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर आपकी ये आगे की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल वन लाइन में होनी चाहिए, और ये एंड देन रिलैक्स। सेम आसन आपको अदर लेग से करना है, उसके लिए अदर लेग सेम टो आउटसाइड, पंजे को बाहर की तरफ निकालते हुए सेम साइड बेंडिंग करते हुए हाथ को आगे रखने की कोशिश करेंगे, एंड देन अदर हैंड ऊपर की तरफ, और ये ऊपर देखते हुए। वेरी गुड। हो सकता है ये आसन करने के बाद आपको अपनी इनर थाइज में स्ट्रेच फील हो, तो आप लेग्स को ये करके रिलैक्स भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका त्रिकोण आसन होता है, बहुत ही अच्छा आसन होता है, आपके साइड फैट को ख़त्म करता है, साइड मसल्स को ओपन करता है, आपके बटक्स के थाइस के एक्स्ट्रा फैट के लिए त्रिकोण आसन बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। लेकिन इसके प्रिकॉशंस कुछ हैं, सावधानियां हैं, अगर किसी की बैक इंजरी हुई हो तो उसको ये आसन नहीं करना, ठीक है। हाई बीपी लो बीपी वालों को भी ये आसन नहीं करना है, ठीक है, उनको भी ध्यान रखना है, ये आसन नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, ये आसन जो होता है
ये एक बैलेंसिंग आसन भी है, ठीक है। और मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि जितने भी बैलेंसिंग आसन आपके होते हैं सारे आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली मैं बोलूँगी कि स्टूडेंट्स को तो डेली 3 से 4 बैलेंसिंग आसन करने चाहिए, ठीक है। बिकॉज बैलेंसिंग आसन जो होते हैं बॉडी के साथ साथ आपके ब्रेन के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। तो आज के टाइम में स्टूडेंट्स का ब्रेन अगर अच्छे से वर्क करेगा तो स्टडी वो अच्छे से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को जरूर आप क्या नाम है करवाएं, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट आसन हम करते हैं वीरभद्रासन, ठीक है, जिसके लिए सेम हम लेग्स को ओपन करेंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड देन सिंगल टो आउटसाइड जैसे हमने त्रिकोण आसन में किया था, एंड देन नी को बेंड करेंगे ये कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। पीछे लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा नी आपका, ठीक है। राइट नी को आप बेंड करोगे बिल्कुल 90 पे होना चाहिए, ना इससे पीछे रहेगा ना ये 90 से आगे जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल 90 पे रहेगा। और बॉडी को भी टर्न करेंगे आप अपने राइट साइड, ठीक है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे एंड देन बैक बेंडिंग आप करेंगे ये, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इतना भी कर सकते हैं, अगर आपका बैलेंस स्ट्रांग नहीं है तो आप सिर्फ इतना कीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, और ये भी नहीं होता तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका बैलेंस अच्छा है, बेंडिंग अच्छी है, आप हल्का सा बेंड भी कर सकते हैं ये, ठीक है जी। ये वीरभद्र आसन, सेम आसन हम अदर लेग से करेंगे, सिंगल टो आउटसाइड एंड देन सेम नी को बेंड करेंगे 90 पे, बिल्कुल ना आगे ना पीछे, ठीक है, बिल्कुल 90 पे करेंगे। अगर ये करने के बाद आपको लगता है कि आपके स्पेस कम है, मतलब आपने कम लेग्स को ओपन किया, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं उसके बाद। एंड देन इसमें होल्ड करते हुए सेम वेरी गुड, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, उसके बाद हल्का सा लेग्स को रिलैक्स कर लें, ठीक है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, जरूरी नहीं है फर्स्ट डे में ही आप इतना बॉडी को खींच दो, फालतू में कहीं पेन हो जाएगा। और अगर आपके आसपास कोई योगा ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर है तो उसकी सलाह लेते हुए अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोई भी आसन अपने आप से करें तो आराम आराम से करें, एकदम से खींच के ना करें, ठीक है। ये हमने किया था वीरभद्र आसन, ठीक है, लेग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके लेग्स में पेन रहता है, ठीक है, जिनके लेग्स वीक हैं, वाइब्रेट होते हैं, थाइज वीक हैं, उनके लिए आसन बहुत अच्छा होता है। लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए आसन बहुत अच्छा होता है, हमारी हैमस्ट्रिंग को मजबूत बनाता है ये आसन, ठीक है जी। और सेम ये भी एक बैलेंसिंग आसन है, तो बैलेंसिंग आसन के जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं, इस आसन के भी सेम आपको वो फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। नाउ बैठ जाएंगे वज्रासन में, वेरी गुड, डीप ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल एक्सहेल कंप्लीटली, वेरी गुड। आपको हर आसन के बाद रिलैक्स करना है, ठीक है, एक आसन करते ही जस्ट आपको दूसरा आसन नहीं करना है, ठीक है। कभी फटाफट फटाफट दूसरा तीसरा चौथा आसन ऐसे करते रहो, ठीक है, पेन कोई भी एक बॉडी को रिलैक्स करो, रेस्ट दो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहीं से हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, समाप्त लेके जाते हैं। पहले रिलैक्स करते हैं। आप जितना भी वर्कआउट कर रहे हैं, 15 मिनट 10 मिनट भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आधा घंटा एक घंटा भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब आप भी ख़त्म कर रहे हैं वर्कआउट को, उसके बाद बॉडी को रेस्ट जरूर दो। डीप ब्रीदिंग आप जरूर करो, डीप ब्रीदिंग से आपकी मसल रिलैक्स होती हैं, जितना भी आपने वर्कआउट किया है वो सारा पेन आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए रिलैक्स करते हैं एंड ओम चैंटिंग के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं।
विश्वानी देव मंत्र के साथ। ओम विश्वानी देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। ओम शांति शांति शांति। रब योर पांस। गरम हाथों का स्पर्श पूरी बॉडी पे करेंगे एंड देन रिलैक्स करेंगे, ठीक है। क्लास के पहले और लास्ट में जरूर ओम चैंटिंग करें, वो मन को शांत करती है, स्ट्रेस को कम करती है, तनाव को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। सो ओम चैंटिंग और ये जितनी भी चैंटिंग होती है बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर फिनिश होती है। धन्यवाद।